हेलो दोस्तों, पाकशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, उसे करना, तरीके से करना एक आर्ट होती है। उसी तरह कुकिंग भी एक आर्ट, यानी खाना पकाने की कला। लेकिन किसी भी कला को करने के लिए कलाकार की जरूरत होती है, और हर घर में एक कलाकार मौजूद होता है, और वो होती है हमारी होम शेफ्स, यानी कि सभी गृहणियाँ, जो सिंपल से सिंपल चीज़ को भी थोड़ा सा तरीके से बना के, तोड़ मरोड़ के बना के, सभी मसालों के साथ मिला के उन्हें एक नया रूप देती है। तो इसी सोच के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम सिंपल से मूंग और चना की करी, और उसके साथ बिस्किट रोटी। तो चलिए देखते हैं हम उसे किस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और दोस्तों, इस दौरान आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। दोस्तों, मूंग चना करी बनाने के लिए यहाँ हमने साबुत मूंग लिए हैं और चना ले लिए हैं। यहाँ पर हमने पौन कटोरी मूंग लिए थे और पौन कटोरी हमने चना लिए थे, और रात भर के लिए इन्हें भिगो दिया था। अब पानी को हमने सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 टमाटर ले लिए हैं, आप देख सकते हैं ये मीडियम साइज के टमाटर हैं। 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। 1 शिमला मिर्च को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर 1/2 कप हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है। नमक स्वाद के अनुसार ले लें। यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून चना मसाला लिया है। 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी ले ली है। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ली है। यहाँ पर थोड़ी सी हींग ले ली है हमने। 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है। सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरह से धो लें और इस तरीके से मिक्सी के जार में बड़ा बड़ा काट कर डाल दें, और इनका हमें महीन पेस्ट बनाना है। अब हम कुकर को गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल इसमें हमें कम ही चाहिए, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को 4 से 5 सेकंड तक अच्छी तरह से तड़कने दें, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम 2 चुटकी हींग। इसमें डाल देंगे हम प्याज, और प्याज को हम 2 से 2.5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। दोस्तों, शिमला मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, हमारे पास थी इसलिए हमने उपयोग कर ली। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और इसे भी साथ ही में भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, और इस सभी को हमें 2 से 2.5 मिनट तक भूनना है अच्छी तरह से। जब ये सब काम हो जाए, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चना मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर हमने लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी भी डाल दी है। तीखा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। आँच को आप इसे बिल्कुल धीमा ही रखें। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की पेस्ट जो हमने तैयार की है। इसे भी अच्छी तरह से मिला लें, और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जिससे टमाटरों का कच्चापन दूर हो जाए। आँच को इस वक्त आप चाहें तो मीडियम कर सकते हैं, और इसे हम पकाएंगे अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट में। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक चुकी है, और अब हम इसमें मूंग और चना स्प्राउट्स डाल देंगे। इस तरीके से आप डाल दें। आप चाहें तो इसकी जगह पे हरी मटर, सूखे मटर, लोबिया, किसी भी स्प्राउट का प्रयोग कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉमन मूंग और चना ही रहता है, सबके घरों में अवेलेबल होता है, इसलिए इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग भी। और यहाँ पर हम डाल देंगे 2 कप पानी। जिस जार में हमने टमाटर पीसे थे उसे भी धोकर उपयोग में ले लिया है, वेस्टेज ना करें। इस तरीके से हमने इसे तैयार किया है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। और कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और 1 सीटी आने तक तेज़ आँच रखेंगे। उसके बाद कम आँच पर हम 4 से 5 सीटी लेंगे इसकी। जब तक सब्जी तैयार हो रही, हम ले रहे हैं रोटी का आटा। यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है, 1/2 कप बेसन, देसी घी ले लिया है। नमक स्वाद के अनुसार ले लें। 2 टेबलस्पून हमने दही लिया है, अजवाइन ले ली है, और साथ ही साथ पिसी हुई चीनी ली है। मेजरमेंट आपको हम अब बताएंगे। गेहूं का आटा हम यहाँ पर 5 से 6 कप उपयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने 5.5 कप के करीब आटा ले लिया है गेहूं का, और इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें।
एक टीस्पून अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और यहाँ पर हम बेसन ले रहे हैं और 3 से 4 चम्मच आप बेसन डाल दें इसमें टेबलस्पून, और अच्छी तरह से इन्हें मिला लें। इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी 1 टेबलस्पून के करीब, और इसमें डाल देंगे हम 2 टेबलस्पून दही। ऐसा करने से रोटी काफ़ी मुलायम और खस्ता बनती है। और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी, और इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसका आटा गूंदेंगे। ये आटा हमें बिल्कुल चपाती के जैसे गूंदना है, न बहुत ज़्यादा सख्त न बहुत ज़्यादा नरम, जैसा हम पराठे वगैरह के लिए गूंदते हैं वैसे हमें ये आटा गूंद के तैयार करना है। दोस्तों थोड़ा सा तरीके से किया जाए तो दाल रोटी भी बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है, तो आप भी इस तरीके से करके देखें अगर आप नहीं करते हो तो। और बहुत से लोग इसी तरीके से आटा गूंदते हैं रोज़ की चपाती का भी। पूरा आटा हमने गूंद लिया अच्छे से, और इसे हम 10 से 15 मिनट तक सेट होने के लिए साइड में रखेंगे। गीले कपड़े से इसे ढककर हमने रख दिया है, और अब आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट बाद आटा हमारा सेट होकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल पराठों वाली साइज़ की लोई बनाई है, रोटी से थोड़ी सी बड़ी, और इसे हम बेलेंगे। थोड़ा सा पलोतन लगाएं और इसे बेलें, न बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है इस रोटी को, न बहुत ही ज़्यादा पतला। इस तरीके से हम चाकू से इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। आप इतना गहरा ना बनाएं कि रोटी कट जाए, बस इतना ही कि डिज़ाइन दिखने लगे आपको। इस तरीके से आपको कट्स पीछे की तरफ यानी कि बैक साइड की तरफ गहरे नहीं लगाने, नहीं तो रोटी कट जाएगी। इस तरीके से हम इसे एक बिस्किट की तरह शेप देंगे, इसे बिस्किट रोटी कहते हैं, और इसे तवे पर हम डाल देंगे। पहले कट वाली साइड को तवे की आंच पर डालें, फिर पलट दें, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसे सिकने दें। ये रोटी थोड़ी सी मोटी होती है, आधा इंच से थोड़ी कम, और इसे धीमी आँच पर आप अच्छी तरह से सेकें। ये काफ़ी खस्ता बनती है और बहुत अच्छी लगती है दाल या किसी भी सब्जी के साथ। और इसे इस तरीके से हम सेकेंगे घी लगाकर दोनों तरफ, पलटे की मदद से आप इसे पलटते जाएं और सेकते जाएं, थोड़ा सा दबाते रहें जिससे क्रिस्पी होती रहे। इस तरीके से हमें रोटियों को तैयार करना होता है। जब तक रोटियां हमारी तैयार हो रही है एक बार मैं आपको सब्जी भी बता देती हूँ। ये सब्जी काफ़ी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अगर आपको लगता है सब्जी गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा पानी मिलाकर एक उबाल ले लें। यहाँ पर मैंने सब्जी भी सर्व कर दी है, इस पर थोड़े से प्याज डाल दें, थोड़ा सा पापड़ हम इस पर क्रश करके डाल रहे हैं, इसे देखने में भी सुंदर लगती है और स्वाद भी अच्छा लगता है पापड़ का। दोस्तों हम कोई भी खाना बनाएं अगर उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है तो देखकर ही खाने का मन हो जाता है। ये बात आप सब जानते हैं कि पहले खाना नज़रों से खाया जाता है, इसीलिए जो थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करें। यहाँ पर हमने रोटी बना ली है, थोड़ी सी छाछ ले ली है, और सब्ज़ी आपके सामने बनकर तैयार है। तो आप भी इसी तरह से कभी इसे ट्राई करें, अपने परिवार अपने बच्चों के साथ इसका आनंद लें, और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।